हमने पढ़ते रहना है और साथ साथ हमारा सफर भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा सफर कंप्लीट हो जाए तो हमारा सबक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से फ्रेश होकर बैठना है, ठीक है। आपको ये रिफ्रेशमेंट भी देंगे, ठीक है। जहाज पे में रिफ्रेशमेंट देते हैं, पता है आपको, ये छोटी मोटी चीजें आते हैं खाने के लिए, ठीक है। आपको रिफ्रेशमेंट देंगे रस्ते में, लेकिन पढ़ना अच्छे तरीके से, शाबाश। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको, ये गिनती पढ़ाई थी कि 19 कैसे बनता है। 10 में 19, 29, 49, 50, 75, पता चल गया इसका। उसके बाद मैंने बताया था कि ये गिनती कैसे होती है, 10, 100, 1000 ऐसे होते हैं, पता है, तीन चार हिंसों का पता चल गया आपको। उसके बाद मैंने कहा था काई ढाई सैकड़ा हजार। आज बात करेंगे दोबारा इसकी, बात सुनने बेटा। तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार। चले सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इसको, क्या नाम लेते हैं, जमा को, प्लस को कैसे करनी है हमने। जैसे मैंने कहा हम करते हैं 18 प्लस 9, 18 प्लस 9, तो 8 और 9 भी जब प्लस करना है तो इसको क्या करेंगे, छोटे की हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, क्या करेंगे, छोटे की लाइन, छोटा जो इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, छोटे की लाइन लगाई। तो 9 से आगे गिनना शुरू कर दे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना बन गया ये 17। अब 17 को जो 1 है वो क्या है, जो 1 क्या है, काई है दहाई है, क्या है ये 1, क्या है बेटा दहाई, को क्या करेंगे इसको यहाँ से काट देंगे और इसके साथ आगे ऊपर लिख देंगे, ऐसे करेंगे ना। तो ये क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, उसका जवाब हो गया। अब हम चलते हैं हजार की रकम में, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 1985, ठीक है। ये मैंने रकम लिख दी 1985, लिखना नहीं, किसी बच्चे ने लिखना नहीं है, सिर्फ मेरे तरफ देखना है 1985। हम इसको करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस, प्लस चुके मैं नोट करें, मैंने रकम लिखी है 1985। अब इसको प्लस करते हैं, क्या करेंगे प्लस, देखें 5098, कितना लिखेंगे 5098। तो ये सही लिख रहा हूँ 98, तो ये 9 कहाँ लिख दिया मैंने, ये सैकड़े का भी लिख दिया। अच्छा हम बच्चे सियाने हो गए हैं, शाबाश, इसने हमें 0 लिख दिया, वैसे ही अब ठीक है, शाबाश। अब इसको प्लस, आज्ञा सर ने क्या कहा कि लिखना नहीं है, पांच ही लाइनें का, कितना मुश्किल है, कोई रियाजी सबसे आसान है, सबसे आसान ही रियाजी है, मैथ है, समझ आई बात की। तो पांच ही लाइनें का, 1 2 3 4 5, 8 है कि नहीं, 9 10 11 12 13, एक ही फार्मूला चल रहा है सब में। जो ये दहाई है आगे लगाते हैं इस यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 की लाइन लगाते हैं, 5 लगाइए 3 और लगा रहे हैं, ठीक है, 8 बन गया, 9 से आगे 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बन गया ना। तो ये 7 की एक लाइन जो है यहाँ पे लगा दी, अब 9 और 1 कितना बन गया, चले 18 हो गया, ठीक है, शाबाश, गुड। 9 और 1 कितना बन गया, लगा लिया, ऐसे ही जाना 5 1 और 6 कितने बन गए, 7, ये जवाब आ गया, ठीक है, 7 7 83, ऐसे ही है ना। तो ये प्लस का सवाल मैंने लिखा लिया, अब चलते हैं माइनस में। इसमें क्या किया मैंने, छोटे की लगाई है, क्या लगाया मैंने, छोटा जो है उसके उसकी नंबरिंग की, ऐसे ही है ना, उसकी काउंटिंग करने के लिए उसको क्या किया मैंने, उसकी नंबरिंग लगाई। अब मैं करता हूँ तफरीक का, क्या करते हैं देखें, 20 माइनस 15, अब इसको करेंगे तफरीक माइनस, क्या करेंगे, ये ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला माइनस के लिए, माइनस की रकम ऊपर वाला, तो इसको हमने बड़ा करना है, जीरो को बड़ा कैसे करेंगे, इधर से हाथ से लेंगे, इधर आ गया एक, इधर डाला दहाई का जी, अब जहाँ हाथ लगाना है तो दहाई लगानी है, ये ऊपर इसमें डालना नहीं है, इसको एक नहीं बढ़ा देना, जीरो के आगे लगा देना, 2 लिया तब भी 4 लिया तब भी, समझ आ रही बात की,
उसके आगे लगाना है। कहने यहाँ पे एक रहेगा, इधर दस दस में से पांच निकाले किसने मार दिया। इसका तरीका क्या है कि दस लाइन ऊपर वाली बड़ी है वो लाइन में गाइड किसने मार दी, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, तो लाइने काट दे पांच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, लॉक आ गया पांच, तो एक में से एक निकाला किसने बनता है, तो लॉक किधर आया, क्या बात। अब रकम लिखता हूँ मैं इससे बड़ी, क्या लिखूंगा इससे बड़ी रकम लिखता हूँ, जैसे बड़ी रकम लिखता हूँ, लिखे पांच सौ तीन, पांच सौ माइनस तीन सौ अठारह कितने हैं, चलिए इसको हमने तय तो फ्री करना है, वो कितने समय कितने तीन सौ में देखो छोड़े छोड़े देखे तीन तीन बड़े छोटे हैं, उसको बड़ा करना, क्या करना है, तो कहाँ करेंगे अब जहाँ तो जीरो है लेंगे कहाँ से आप, क्या भाई पांच से यहाँ पे कितने आ गए हैं, इसे लगा यहाँ पे ढाई कितने बन गए, दस में से एक लिया तो कितने बन गए, इसे कितने रह गए, गुड शाबाश। तो तेरह में से जो कितनी लाइन लगी, दस है तो तीन और लगा ले तेरह होगी, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह में से कितनी निकालनी है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ कितने बच गए, एक दो तीन चार पाँच कितने बच गए, यहाँ पे कितने रह गए, तो जीरो के नौ कैसे बढ़ गए, नौ नौ से मैं एक निकाला कितने बन गए, अब यहाँ पे कितने रह गए, चार में से तीन निकाले, गुड शाबाश। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हजार की रकम लिखते हैं, ठीक है, अब लिखते हैं सात हजार पाँच सौ दो, तफरीक कितना लिखा मैं बताओ, एक हजार एक सौ ग्यारह, चल ऐसे ही फिर ऐसे ही, अब दो में से एक निकाले कितने बच गए, जीरो में से एक निकाले कितने बच गए, क्या करूँ मैं अब, अच्छा अच्छा ले लेता हूँ, चार तो यहाँ पे कितने बन गए, दस में से एक निकाले कितने बच गए, दस में से नौ एक, यहाँ पे कितने रह गए, चार में से एक, सात में से एक, आपका जवाब दुरुस्त हुआ, अब माइनस आपको आना शुरू हो गई, अब चलते हैं जरम में, अब क्या करना है, शाबाश अब जरम में चलते हैं, तो क्या करूं, लिखता हूं पहले लिखता हूं पंद्रह जरम, यह जरम की अलामत है, यह जरम की अलामत है, पंद्रह जरम तीन लिखूं, चलें तीन लिख लेते हैं, ये आपने आपकी बुक तो हमने खोलनी नहीं है, वैसे ही याद कर रहे हैं, सारी बुक खुद खुद ही आ जाएगी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नीचे वाले का पहाड़ा ऊपर पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, ये ऐसे दर दी, फिर इसको ऐसे दी, आगे आ जाता तो फिर ऐसे दी, आगे आ जाए तो फिर ऐसे, आगे आ जाए तो फिर ऐसे, जितने आ जाएंगे उनको साथ साथ देते जाए, ऐसे कर रहे हैं ना हमने, चलो शाबाश, चलो जी सब करते हैं हम, कैसे तीन का पहाड़ा, तीन का पहाड़ा अपने पाँच का, ठीक है, अब तक ले एक हासिल लिया, एक हासिल ले लिया, ऐसे किया ना हमने, क्या करवा लेते हैं, तीन एक कम तीन और एक पैंतालीस जवाब आ गया, अब इसको कर देता हूँ मैं तेरह, क्या कर देता हूँ तेरह, तो अब क्या करूंगा दोबारा, पांच से पांच दिया एक हासिल ले लिया, तीन एक कम अब एक इसको देना, अब वही जिस तरह तीन को दिया इसी तरह इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे काटा, क्या किया यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने, और यहाँ पे काटा लगा दिया, एक पाँच एक एक, आगे लगाना है आगे जाकर, ये देखिए आगे चला गया, यहाँ पे कुछ ही नहीं है, हमने आगे क्या करना है, इसको पाँच का पाँच का, ये आ गया जवाब, ऐसे ही होगा ना, और लिखते हैं रकम कोई, अच्छा हम कर रहे हैं जरफ, ये पता है आपको जरफ, इतनी बड़ी जरफ कर रहे हैं, देख ले, अब लिखता हूँ पांच सौ दो जरफ लिखता हूँ इसका, क्या तेईस, क्या लिखता हूँ चलो एक सौ तेईस लिख लेता हूँ, चलो एक सौ तेईस जरफ ट्रिपल करते, तीन सौ में जरफ है, तीन सौ में, ठीक है, अब इसको कैसे जरफ करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तीन को सबके साथ देंगे, फिर दो को सबके साथ देंगे,
एक को सबके साथ देंगे तो सर्व हो जाएगी, वो ही तरीका एक एक करके समझ आ रही बात की। चले कैसे, तीन दुनी ये खत्म हो गया, तीन जीरो ये भी खत्म हो गया, तीन पांच वाले में मुकम्मल लगा देना, ऐसे ही करना है ना। अब ये सारे खत्म हो गए एक दफा, अब ये तीन खत्म हो गया, अब क्या किया, तीन खत्म हो गया, दो शुरू हो गया, दो दुनी चार। यहाँ पे लिख दो सही है, यहाँ पे काटा लगाया, यहाँ पे तो ये दो दुनी यहाँ पे आ गया, दो सिफर ये खत्म, दो जीरो खत्म, दो पांच एक आगे आ गया, ये भी खत्म, अब ये दो भी खत्म हो गया, अब एक से चलते एक दुनी यहाँ पे लिख दो सही है, यहाँ पे काटा लगा देते हैं, दो दुनी नहीं एक दुनी एक जीरो एक पाया, अब क्या करेंगे, ये देखे कितना के लिए कि छे है, चार चार जीरो चार जीरो चार प्लस जीरो चार प्लस जीरो अगर हो तो चार आ गया, अगर चार तो सर देंगे जीरो से फिर क्या होगा, जीरो पाँच दो एक 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 पाँच एक छः आगे तरफ, इसको नहीं आती अभी, आओ किसी सीखनी है तो खड़ा हो जाए, शाबाश स्टैंड आप, उसको दोबारा समझा रहे क्योंकि समझ नहीं आई, तो एक और सवाल समझाना मैंने सर को, उसके बाद मैंने आगे चले जाना है, एक सवाल समझाने का हजार का सवाल है, देखें कितना लिखो, आप रखो मिसाल एक मचाए कौन खा क्या लिखो, एक हजार नौ सौ निन्यानवे, बड़ी मुश्किल लिखवाते हैं आप लोग, एक हजार नौ सौ निन्यानवे सर्व कितना करूँ मैं, नहीं हजार में ही सर्व करनी है हमने साल, कितना पाँच हजार दो सौ, पाँच हजार दो सौ नवासी, पाँच हजार दो सौ नवासी लिख दिए, पाँच हजार दो सौ नवासी, इतना मुश्किल पढ़ा, पढ़ लेंगे आप लोग, चले फिर ठीक है, चले अब नौ, अब क्या करना है देखें, नौ को सबके साथ चलेंगे, फिर आठ को सबके साथ चलेंगे, फिर दो का सबके साथ चलेंगे, फिर पाँच का सबके साथ चलेंगे, सब जा रही बात की, फिर आपका पहाड़ा मुकम्मल हो जाएगा, सबसे बड़ी रकम है सर्व की, ठीक है, चले नौ का पहाड़ा, नौ नया लिखे, नौ नया काशी, अब किसको लगाएंगे, शाबाश आठ की लगा लिया, नौ नौ नया खत्म हो गया, नौ नया काशी आठ अट्ठासी आठ नवासी, क्या ये बन गया नवासी, अब किसके उठाऊ ऐसे, शाबाश अब ये भी खत्म हो गया, नौ नया अट्ठासी आठ शाबाश, तेरा बाट उठा लिया उसे, बड़े तेज है भैया, आपने रकम बड़ी अच्छी खाई है, नौ एकम नौ आठ शाबाश, अब पहले भी मैंने लगा लिया काट, फिर बात अठू नाम क्या लगा लिया मैंने, बहत्तर, अब क्या करूं सात को लगा लिया, ये हासिल ले लिया, तो ये अठू नाम बहत्तर सात बहत्तर सात बहत्तर सात बहत्तर में सात सात दो नौ क्या बन गया, नासी क्या बन गया, ये नासी बन गया, तो अब सात को फिर काट कुटे लगा दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अट्ठू नाम सात तो ये फिर नौ लगा दिया, सात फिर उधर लगा दिया, जिन सात काट के, ठीक है, अब फिर क्या किया, आठ से नौ आठ एक और आठ सात आठ सात जमा किया आठ में से सात हासिल से बना क्या बन गया पंद्रह, ये सही लिखा मैंने, चलो भी देख लिखा, चलो शाबाश, अब क्या दो रकमें ये खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया, सही है ना, अब दो शुरू होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एक और काटा लगा दिया, सही है ना, यहाँ से दो शुरू करेंगे, अच्छा दो शुरू करें, नौ दूनी यहाँ पे अठारह है, क्या निकालेंगे, एक यहाँ पे एक हाथ निकाल लेते हैं, ये देखिए नौ दूनी एक ये भी काटा गया, दो के खत्म हो गए, अब तीसरे नौ दुनी अठारह एक उन्नीस एक फिर हासिल ये भी किया, नौ दो एक कम दो और एक
ये रकम ये खत्म हो गया। अब इसके कितने कार्ड लगाएंगे और कार्ड बढ़ाते जितनी रकम बढ़ते जाएंगे अब कार्ड बढ़ते जाएंगे ठीक है। पाँच नौ लिखेंगे पाँच या पैंतालीस हासिल कितना आया है चार हासिल ऐसे ही है ना। तो क्या करेंगे ये पाँच नौ पैंतालीस ये खत्म हो गया तो क्या करेंगे पाँच नौ पैंतालीस चार ऐसे भी चार लिखते है ना चालीस नौ चालीस नौ ऐसे चार हासिल चला गया तो ये दूसरी रकम होगी ये भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे पंचमी नाम पैंतालीस चार फिर नौ आ गया चार फिर हासिल आ गया ये भी खत्म हो गया। पांच एकम पांच चार आपकी रकम खत्म। अब करना क्या है इसको जमा करना है जर्व करना तभी करना है। अब हमने जर्व के बाद क्या करना है हमने शाबाश। तो क्या करेंगे जी जमा करेंगे नौ दो हासिल नौ 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 अठारह और आठ कितने हो गए छब्बीस और एक हासिल डाला फिर सताई बनाया ठीक है ना। भाई शाह भाई हासिल कितने रह गए दो कितने हैं अब नौ नौ अठारह पाँच चौबीस अठारह पाँच तेईस शाह भाई तेईस सात तीस तीस और हासिल कितने थे दो ये दो थे दो तीन दो हासिल कितने रहे तीन शाबाश नौ नौ अठारह एक उन्नीस उन्नीस पाँच चौबीस और तीन सताईस हासिल कितने बचे दो शाबाश और तीन दो तीन तीन एक नौ चार तेरह और हासिल कितने थे दो पंद्रह हासिल कितने बचा एक नौ और एक ये बनी आपकी रकम। अब गिनो कितने बनते हैं एक करोड़ कितने बना आगे कितने बना एक करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार एक करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार सात सौ ग्यारह। आपकी मैथ में इतना बड़ा सवाल नहीं है ऐसे ही है ना आ गया इतना बड़ा सवाल आपको जितनी मर्जी को जर्ब लिखाए यही फार्मूला लगाते हैं पहले वाले को पहले के साथ जर्ब दूसरे वाले को दूसरे दोबारा फिर तीसरे जिसी तरफ में बढ़ते जाएंगे उसने कांटे लगाते जाना है और एंड पे आपने क्या कर देना है सबको गुड शाबाश क्लैपिंग करें इसकी शाबाश। अब जर्ब के बाद होता है तकसीम क्या है आपने करना है तकसीम तकसीम करने का तरीका देखें देखें मसलन लिखता है पंद्रह तकसीम पाँच ये रकम है इसको क्या करना है पंद्रह तकसीम पाँच गौर से लिखा है मैंने कहा सुनने हैं सबसे आप जो बच्चों को नहीं आएगा तो मैंने सुनने हैं पंद्रह तकसीम पाँच इसमें क्या करना है आपने बड़े को रखना है ऐसे तकसीम ये तकसीम की अलामत है ये अलामत क्या है ऐसे करके ऐसे ये तकसीम की अलामत है ये जर्ब की अलामत है ये जमा की अलामत है ये तफरीक की अलामत है ऐसे ही है ना तो ये तकसीम की अलामत है ये तकसीम की अलामत है आपका तकसीम की अलामत ये नोट कर ले तकसीम की अलामत का पता चल गया शाबाश मैं तकसीम की अलामत दोबारा लिखने लगा हूँ ये नोट करें ये तकसीम की अलामत है ऐसे ही है ना ये तकसीम की अलामत है तो पंद्रह इस तकसीम की अलामत में क्या करना है आपने बड़े को इसमें रख लेना क्या करना है ये देखिए पंद्रह इसमें रख लिया पाँच बाहर क्या किया पढ़ना फिर आपने पहाड़ा ही है क्या करना है पहाड़ा पढ़ना पहले हमने देखना इसका तरीका कर क्या है हमने देखना यहाँ से इसकी इकाई उल्टी शुरू होती है कहाँ से इधर से इकाई ढाई सैकड़ा हजार ऐसे समझ आ रही बात की और पांच को पहले देखना हमने एक से तकसीम करना करना एक पे पूरा करना अगर एक छोटा है अगर पांच में से ये छोटा है
तो फिर हमने पीछे वाले को साथ बनाकर बड़ा करना है, जिस तरह हमने हासिल लेकर बड़ा किया था ना, इसी तरह इसको बड़ा करना है। पहले देखना कि ये बड़ा है, इसका सांप इससे चल रहा है, इधर चल रहा है, ये इसकी काई ये है, इसकी काई क्या है ये है। अब जिसकी काई देखेंगे, अब हम यहाँ पर छे कर देते हैं, क्या कर देते हैं ये छे कर दिया। अब हमारी काई ये है, हम देखेंगे कि ये छे पांच से बड़ा है छोटा, अब ये पांच यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखे ये सिर्फ यहाँ पर जाएगा, देखे इसको पेंसिल कर देता हूँ, ठीक है पांच ये इसकी काई है, क्या है हमने ये जीरो है, पांच है, एक है और पंद्रह, ये क्या नाम लिखे सतारह है, पंद्रह है, इसको जमा करना है, तो हमने तफरीक करना है, तो क्या करना है, हासिल लेकर इसको दस करना है ना, बड़ा करना है ना, यानी इसको इसके साथ ही चलना है। इसी तरह ये पांच जो है इसकी काई से इसे चले, सबसे पहले इसे चलेगा, नोट करें सब जोड़ कर साइलेंट, सबसे पहले आपने जिससे चलना है, काई है इसकी पांच से बड़ा है तो इसमें पूरा आ जाएगा, अगर नहीं तो इसे मिला के आपने बड़ा कर देना है। इसी तरह तमाम रकम, पहली रकम को देखना है, अगर बड़ी बराबर आ रही ठीक, वरना पीछे वाली मिला के डबल कर लेना है, ठीक है, जितनी रकमें भी होगी हमने बड़ी बड़ी तकसीम में जाना है, ठीक है। देखें पांच छह तक कितने हो जाता है, छोटा रखना है या बराबर रखना है, छोटा रखना है या बराबर, बड़ा नहीं होने देना, चले कितने पढ़ा पड़े छह तक, चले शाह।